and I'm proudly received this on behalf of the wonderful clinicians that we have and the wonderful healthcare support staff that we have. Thank you. हुए हैं और उनके बिहाफ पे हम लोग रिसीव कर रहे हैं।
सिम्स के साथ में हमारा अनुभव बहुत अच्छा है। हम इंडेक्स ऑफ मेडिकल स्पेशलिटी के पूरे हिंदुस्तान में इनका नाम है और इनकी मैगजीन जो जाती है बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहती है सारे डॉक्टर्स को, सारे मेडिकल स्टाफ को। ये सब नए नए ड्रग्स बताते हैं, नए कॉम्बिनेशन बताते हैं, नए मेडिकल फील्ड में क्या हो रहा है, लेटेस्ट अपडेट्स देते हैं। ये मैगजीन बहुत अच्छी है। लेकिन हमारे यहाँ गरीब से गरीब इंसान से लेके अरबपति सभी लोग समान सुविधाएँ प्राप्त करते हैं और सबके लिए उसी तरह की इलाज की सुविधाएँ हैं। हमारा विजन यही है सबके लिए एक जैसा इलाज है, एक जैसी सुविधा और इंटरनेशनल लेवल का केयर। थैंक यू। माय नेम इज़ डॉक्टर अनुपम करवाकर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डी वाई पाटिल हॉस्पिटल नवी। Today I am very, very fortunate to get an award on the best hospital unit for trauma and emergency care, and CIMS has recognized us. D.Y. Patil Hospital is always very, very, very passionate about helping the poor to poorest, giving the best of the facilities. Our CIMS has identified this as a very, very fortunate event, and the founder president, Dr. D.Y. Patil, is always having that we have to give the best of the care to the best of the people available in the country as well as there. Thank you. हेल्थ केयर ये बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है और इस प्रकार के अवार्ड दिए जाते हैं केयर सेक्टर में। हर एक हॉस्पिटल को, हर एक प्रोडक्ट की कंपनीज को भी एक मौका मिलता है कि वो पीपल लुक एट देम, वो पीपल जज अबाउट देम। और इसलिए पिछली बार हमको अवार्ड मिला था, इस बार नहीं मिला, या पिछली बार नहीं मिला था, इस बार मिला, इसका जो असेसमेंट है वो कंपनीज कर सकती है, वो हॉस्पिटल कर सकते हैं। और इन अ वे ये जो एक्सीलेंस बढ़ाने की बात है, इसका लाभ एंड यूजर में पेशेंट को निश्चित और खास करके ये सातवां वर्ष है, अवार्ड फंक्शन शुरू हो जाते हैं लेकिन चलते नहीं, इसलिए जो कंसिस्टेंसी है CIMS मेडिकल के लिए बहुत बहुत बधाई। देखिए डॉक्टर्स को, प्रोफेशनल्स को इकट्ठा करना ये अपने आप में तो कठिन बात नहीं है। दूसरी बात है कि देश भर से अच्छे लोगों को ढूंढना ये भी उससे कठिन बात है, लेकिन ये CIMS मेडिका के लिए कठिन है सब। क्योंकि अगर आप डॉक्टर हो, अगर आपका हॉस्पिटल है, अगर आप हेल्थ केयर से जुड़े हुए हो, तो CIMS के साथ साथ एक नाता है दूसरा, ये इस फील्ड में सालों साल से। और इसलिए मुझे नहीं लगता CIMS को कोई नहीं है, लेकिन ये एक रेप्यूटेड कंपनी है, ऑर्गेनाइज जब एक्सीलेंसी के अवार्ड देते हैं, मुझे लगता है कि पीछे लाइफ को एक जिम्मेवारी और वो निभाना ये कठिन है। इसके लिए मैं CIMS का मैं डॉक्टर मिनी बोल रहा हूँ, सीईओ ऑफ आडिया हॉस्पिटल। हमें आज अवार्ड मिले हैं एक CSR इन हेल्थ केयर फॉर मॉडर्नाइजेशन एंड द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। CIMS एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ प्रमोशन होता है हेल्थ केयर का, और इसके वजह से हेल्थ केयर वर्कर्स मोटिवेट होते हैं। सो गुड लक टू CIMS एंड थैंक्स टू CIMS। हम ये वॉर्ड्स फंक्शन इसलिए ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अच्छे काम के लिए उनको मदद करें, उनको अप्रिशिएट करें, रिकग्नाइज करें, उनको देखें।
के बाकी के लोगों को भी मन में ये फीलिंग आए, बाकी के डॉक्टर्स को भी मन में ये फीलिंग आए कि वो अच्छा काम करें ताकि वो लोगों के ज़्यादा काम आ सके. सो हम एक फीलिंग ऑफ कॉम्पिटिशन लोगों के बीच में, डॉक्टर्स के बीच में, हेल्थ केयर इंडस्ट्री के बीच में आना चाहते हैं ताकि हेल्थ केयर इंडस्ट्री और अच्छा काम करें और पेशेंट्स को ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट मिले. लगातार 7 सालों से आप करते आ रहे हैं, किस साल के अपने डॉक्टर्स को लगभग आपने अवार्ड दिए और कहाँ कहाँ से डॉक्टर आए? तो ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन है यहाँ पे और इस पर हमने 38 कैटेगरीज को अवार्ड दिया है. तो 7 साल हो गए हैं, तो अभी प्रोसेस हमारे लिए बहुत ईजी हो गया है. ज़्यादा लोगों को मालूम है, बहुत लोग अप्लाई करते हैं, हमारी एप्लीकेशन पूरे देश से आती है. विशाल राजवड़िया फ्रॉम आई फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड एंड अवॉर्डेड फार्मा कंपनी ऑफ द ईयर फॉर पेनिसिलिन कैटेगरी एंड वी आर अमंगस्ट द हाईएस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ ड्रग्स इन पेनिसिलिन एंड वी हैव बीन अवॉर्डेड फॉर द क्वालिटी एंड वॉल्यूम. Believe that this kind of platform in which the companies are being rewarded is actually the recognition for the entire team which is working for the company. And the award is being given by any independently of the company, but the entire company's effort, all the team, and which brings accolades to the people and the hard work. So I really appreciate the work of our people who have made this happen. And this recognition matters a lot to all our people. Secondly, we are committed to bring great changes in the healthcare industry by doing a lot of innovation. There are many innovations are online to add value to the healthcare regime by delivering unmet medical needs and by providing innovative healthcare solutions. Fine Cure is committed to provide very innovative healthcare products and solutions for public across the world. And we have a dedicated task to the innovation, and of course, people who give education till the last mile, who uses the drug, prescribe the drug, and those who are at all level engaged at all stage and being part of the stakeholders of the product. And with this, we are very happy to be here in the and I congratulate to all of us and all the stakeholders attached to the company.